हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, पहले हम मसालों का कोई भी बिजनेस करना होता तो हम छोटे छोटे पाउचों में उसे पैक करते थे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करना होता हम पुराने तरीकों से करते थे, कोई भी प्रिंटेड चीज़ नहीं आती थी। अब दोस्तों, आज के समय में अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी लड़िया हमें आसानी से मिल जाती है, हमें कोई भी बड़ी मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप उसे लड़ी में शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। वो दोस्तों ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी लड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से दोस्तों ये पाउच है और ये पूरी लड़ी काली मिर्च की आती है। आपको ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ये 10 रुपये बिक्री में है दोस्तों, ये देखिए। इसमें आप काली मिर्च को पैक करके और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इसको अगर आप सेल करोगे तो मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकेगा। पहले हमें खड़े मसाले कोई भी बेचने होते थे, हमें गत्ते पे उसे सेल करते थे। दोस्तों, अब गत्ते वाला ज़माना पुराना हो गया, हमें गत्ते का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, अब मैं आपको नए नए तरीक़ों से बताऊँगा कि जो खड़े मसाले हमें उन्हें किन किन तरीक़ों से पैक करना है, तभी हम उससे ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अब दोस्तों, एक तो ये तरीका है, इसी तरीके से अब आपके सामने नई नई वीडियो आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा नए नए तरीक़ों से मसालों को कैसे पैक किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से भी आप इसे पैक कर सकते हो। आपको इसके लिए बैंड सीलिंग मशीन आपके पास होनी ज़रूरी है। बैंड सीलिंग मशीन है तो दोस्तों उससे आप 100 से ज़्यादा प्रोडक्टों को पैक कर सकते हो। बस अगर आप एक बैंड सीलिंग मशीन ले लेते हो तो आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। दोस्तों, एक बार की इन्वेस्टमेंट और आप उससे बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ पैक कर सकते हो। उसमें दोस्तों चाहे लड़िया हो चाहे पाउच हो, कुछ भी हो, आप आसानी से सील कर सकते हो। आप दोस्तों, अगर आपको बैंड सीलिंग मशीन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉल करके कोई भी डिटेल हो वो ले सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये लड़िया चाहिए हो तो ये लड़िया आपको चांदनी चौक में बतासा गली में मिल जाती है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो। दोस्तों, अब इसमें आपको काली मिर्च पैक करनी है। काली मिर्च के लिए आपको जिस रेट भी मार्केट से मिले उसमें 10 रुपये के हिसाब से जो मार्जिन आपको रखना है, जो मार्केट में जिस हिसाब से बिक रहा हो उस हिसाब से रख के आप मार्केट में सेल कर सकते हो। इन चीज़ों में मार्जिन सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो कि आपको किस रेट में माल मिल रहा है और आप उसे किस रेट में सेल कर रहे हो। अब आपके जो ये 10 रुपये वाला पाउच है, ये आपकी मार्केट में 8 रुपये में भी सेल हो सकता है, ये आपकी मार्केट में 7 रुपये में भी सेल हो सकता है और ये 9 रुपये में भी सेल हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके हिसाब से आपकी मार्केट में कितने रुपये में सेल हो रहा है वो आपको देखना है। आपको अपनी मार्केट में सर्वे करना होगा तभी आपको कुछ पता चल पाएगा। उसी तरीके से आपको उतने ही ग्राम इसमें पैक करना होगा और मार्केट में सेल करना होगा। दोस्तों, इनमें मार्जिन बहुत होता है, बस करने का हमें तरीका आना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।